अनूपगढ़ जिला पुलिस अधीक्षक रमेश मौर्य के नशा तस्करों के विरुद्ध सख्त कार्यवाही करने के निर्देशों पर वासंग नगर पुलिस ने आज दूसरे दिन भी कार्यवाही करते हुए गांव बाजवाला से नशा तस्कर गुरदीप सिंह बाबरी को 42 किलो 490 ग्राम डोडा पोस्त सहित गिरफ्तार किया है। आरोपी ने डोडा पोस्त घर में एक टंकी जो मिट्टी में दबी थी ये 5 कट्टों में छुपा कर रखी गई थी। पुलिस द्वारा की गई प्रारंभिक पूछताछ में आरोपी ने रंजीतपुरा से अंग्रेज बिश्नोई के माध्यम से पंकज बिश्नोई द्वारा बजरो गाड़ी से कल ही रात्रि को डोडा पोस्त सप्लाई किया जाना बताया गया है। आरोपी ने बताया कि यह सप्लाई उसने 4000 प्रति किलो की दर से खरीद कर की थी। फिलहाल पुलिस ने आरोपी के विरुद्ध एनजीपीएस एक्ट में मामला दर्ज कर जांच समेजा थाना प्रभारी विकास बिश्नोई को दे दी। आज में मुखबिर से सूचना मिली थी कि बाजवाड़ा गांव में गुरदीप सिंह है जिसने अपने मकान में डोडा पोस्त अवैध मादक पदार्थ छिपा रखा है जिसमें हमने रेड की, तो उसने अपने मकान में घुसते ही एक मिट्टी के अंदर नीचे तय खाने में एक टंकी बना रखी है जिसका पता ही नहीं चलता, ऐसा लगता है कच्ची जगह है। उसको खोद के चेक किया तो वहाँ नीचे एक पक्की टंकी बनी हुई थी और उसमें 42 किलो 490 ग्राम डोडा पोस्त हमने जब्त किया है और उसको गिरफ्तार किया है। एनडीपीएस ने मुकदमा दर्ज किया है और जो नेटवर्क है उसका पूरा पता लगा रहे हैं, जो जिन जहाँ से माल लाया है जिनको देने वाला है उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी।